नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एसी न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहिन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मलकीत सिंह और उनके परिजनों को न्याय दिलाने भिलाई बंद का रहा मिला जुला असर। हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और 50 लाख रुपए मुआवजा के साथ सरकारी नौकरी की मांग कर रहे सिख समुदाय के लोग। विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन करने राजिम जा रही पिकअप पलटी, वाहन में सवार चार महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग हुए घायल। घायलों का दुर्ग जिला अस्पताल में किया जा रहा उपचार। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर गारमेंट फैक्ट्री का किया लोकार्पण। फैक्ट्री से तैयार उत्पादों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाकर बाजार के लिए किया रवाना। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को इटपाल स्थित बीजापुर गारमेंट फैक्ट्री का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने गारमेंट फैक्ट्री में चल रहे कपड़ा निर्माण के कार्यों का निरीक्षण भी किया और यहां कार्यरत महिलाओं से बात की। श्री बघेल ने फैक्ट्री से हरी झंडी दिखाकर बाजार के लिए तैयार उत्पादों की पहली खेप को रवाना भी किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं उन्होंने की। साथियों, प्यारे बच्चों और साथ ही बहुत सारे, मैं सड़क में देख रहा था, इतने सारे ढोल लेके आ रहे थे। कोई छोटा ढोल लेके आ रहा है, कोई तो लंबा वाला ढोल, कोई बहुत बड़ा वाला ढोल, सब बजाते नाचते गाते आ रहे थे सभी हमारे ढोलक बजाने वाले साथियों और पत्रकार मित्रों। आज बीजापुर जिले में बहुत सारे लोकार्पण, लगभग 457 करोड़ के 209 कार्यों के लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है। आप सबको इसके लिए बधाई और शुभकामना। 5 साल पहले विक्रम, ये लोग कभी बुलाते थे मुझे तो सड़क मार्ग में आने से पहले कार्यक्रम भाषण देते थे तो धीरे से कुर्ता खींचते थे, भैया जल्दी खत्म करो, वापस जाना है। आज बीजापुर बदल रहा है, बीजापुर में बदलाव आया है, बीजापुर के लोगों में विश्वास बढ़ा है। पहले लोगों को नक्सली बता के या तो एनकाउंटर में मार दिए जाते थे या जेल में ठूस दिए जाते थे। आज परिस्थिति में बड़ा बदलाव हुआ है। 7-7 कैंप खुले हैं जो इसके पहले कभी इतने कैंप खुले नहीं थे। इतनी सड़कें बनी हैं जो पहले कभी नहीं बना था। इतने मोटरसाइकिल खरीदे गए हैं जो पहले नहीं था। 1000 से अधिक ट्रैक्टर खरीदे गए थे जो इसके पहले कभी नहीं था। आज खेती किसानी में इस प्रकार की बात करते हैं, लोगों को भ्रम फैला रहे हैं। इसी जिले में 6 करोड़ से अधिक की राशि के गोबर बेचे हैं। वर्मी जो समूह है उनको 1 करोड़ से अधिक की राशि के लाभ उनको मिला है। बहुत सारी चीजें हैं, बात करूंगा बहुत लंबा होगा, लेकिन पेशा कानून बना 1996 से, 15 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार थी लेकिन लागू नहीं कर पाए। ये आपकी सरकार है, पेशा कानून भी, नियम भी हमने बनाए और लागू भी हमने किया। तो आदरणीय साथियों, इस प्रकार से दुर्गम क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा हम लोग लगातार उपलब्ध करा रहे हैं, लोगों को सुरक्षा भी प्रदान कर रहे हैं, सड़कें भी बना रहे हैं और वहाँ हाट बाजार क्लिनिक योजना भी शुरू किए हैं। तो इस प्रकार से आज बहुत सारे अस्पतालों के लोकार्पण भी हुए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भैरमगढ़, नैलेश्वर, गंगालूर, भोपालपट्टनम, आवापल्ली में भी अब मॉडल मर्चुरी का भी लोकार्पण हुआ है। 63 जो स्कूल है, जो भवन विनियत, उसका भी लोकार्पण हमने किया है। आज आप सबसे कह सकता हूं कि आप जब 5 साल पहले कांग्रेस पर विश्वास व्यक्त किया था, हम लोगों को सत्ता की चाबी आप सौंपी थी, तो ये चाबी है छत्तीसगढ़ सरकार की, खजाने की चाबी आपने दी थी, उसे आम जनता में पहुंचाने का, किसानों में मजदूर बनाने का काम, रोजगार आपको दिलाने का काम, स्वास्थ्य, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। ये बच्चों में अभी मैं देख रहा था, फर्राटे से अंग्रेजी बोल रहे थे,
पोयम सुना रहे थे मुझे बच्चे, जो स्कूल कभी बंद थे, कभी नक्सलियों की गोलियों का आवाज और गोला बारूद की आवाज सुनाई देती थी, आज वहां के बच्चे हिंदी में गीत गा रहे हैं, अंग्रेजी में पोयम बोल रहे हैं और सोलर लाइट से जो हमारे सोलर से बिजली लेकर स्कूल में पढ़ाई भी करा रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था लगातार की जा रही है। कुछ मांग अभी की गई है, मैं सबसे पहले किसानों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हैदराबाद में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव की लेकर चर्चा की गई है। उन्होंने बताया कि बैठक में छत्तीसगढ़ और राजस्थान मॉडल को लेकर पूरे देश के चुनाव में उतरने की भी योजना बनाई गई है। इंडिया गठबंधन के चेहरे को लेकर किए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि हैदराबाद की बैठक में इस पर बात नहीं हुई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आम जनता के जो गरीब हैं, मजदूर हैं, जो लघु पसंद ग्राहक हैं, जो गौपालक हैं, किसान हैं, उसका आर्थिक स्थिति सुधार हम लोगों ने जो किया है, जो परिवर्तन आया है यहाँ के जीवन में, किसान मजदूर आदिवासी वनांचल में रहने वाले, जो तेंदुपत्ता जो तोड़ने वाले, इनके जीवन में जो परिवर्तन आया है, उसके बाद साथ साथ जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, इसके लिए युवाओं के लिए जो काम किया है, तो इसके बड़ा व्यापक प्रभाव पूरे देश में पड़ा है। क्योंकि आज लोग महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, ऐसे समय में आम जनता के जेब में पैसा डालना सरकार के द्वारा, और थोड़ा बहुत नहीं, छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में 175,000 करोड़ रुपया सीधा आम जनता के खाते में गया है, इसकी चर्चा तो है ही, और इस मॉडल की भी चर्चा, और यही कांग्रेस का सिद्धांत भी है कि आम जनता को ताकतवर बनाना। खुर्सीपार निवासी युवक मलकी सिंह की हत्या के विरोध में एक पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा प्रस्तावित दुर्ग भिलाई बंद के आह्वान को भाजपा ने अपना समर्थन देते हुए दुकानों को बंद कराया। सुबह से ही भाजपा कार्यकर्ता दुकानों को बंद करने की अपील करते नजर आए। बीते दिनों खुर्सीपार क्षेत्र में युवक मलकी सिंह की नृशंस से हत्या कर दी गई थी। हत्या से आक्रोशित सिख समुदाय के लोगों द्वारा घटना के उपरांत से ही मलकीत सिंह और मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने धरना दिया जा रहा है। इसी के तहत 18 सितंबर को छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा दुर्ग भिलाई बंद का आह्वान किया गया था। इस बंद के आह्वान को भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपना पूर्ण समर्थन देते हुए भिलाई दुर्ग में दुकानों को बंद करवाया गया। सुबह से ही भिलाई में भाजपा कार्यकर्ता दुकानों को बंद करते नजर आए। इस बंद का व्यापक रूप से असर देखने को मिला। कुछ दुकानदारों ने स्वमेव अपनी दुकानें बंद रखी, वहीं ऐसे भी कुछ दुकानदार नजर आए जो बंद समर्थकों को आता देख अपनी दुकानों को बंद करते रहे। इसी कड़ी में पावर हाउस रविशंकर शुक्ला मार्केट सहित अन्य स्थानों में सामाजिक कार्यकर्ता सुमनशील कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के अनेकों सदस्यों के साथ दुकानों को बंद करते नजर आए। मलकीत सिंह को न्याय दिलाने उपस्थित लोगों को संबोधित भी उन्होंने किया। सुपेला लक्ष्मी मार्केट में बंद का व्यापक असर रहा। बंद की जानकारी भाजपा नेता रमेश श्रीवास्तव ने दी। भिलाई बहुत ही शांतप्रिय जगह है। छोटी छोटी बात पे हत्या, मारपीट और इस प्रकार के जो जघन्य अपराध है पिछले 2-4 साल से बहुत ज्यादा बढ़ गए। मलकीत सिंह के साथ छोटी सी बात पे इतना बड़ा विवाद हुआ को उसको बहुत निर्दय तरीका से कुछ लोगों ने मिलकर मारा। मुख्य बात यह है कि हम सबका निवेदन है कि तत्काल अपराधियों को अरेस्ट किया जाए, उनके ऊपर तत्काल उचित धाराएं लगाकर जेल भेजा जाए, और जो अधिकारी इनको संरक्षण देना चाहता है या जो भी राजनेता इनको संरक्षण देना चाहता है उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाए, और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, और जो उनकी मांग है परिवार वालों की और समाज वालों की, क्योंकि उनको 50 लाख मुआवजा और उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दी जाए, इसमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले बार भी जो है ना दूसरे प्रदेश में जाके 50 लाख रुपए का इनाम का घोषणा कर चुके हैं और इनाम वो मुआवजा दिए हैं दूसरे प्रदेश में जाकर, तो हमारे प्रदेश में क्यों नहीं दे। गौरतलब है कि मलकीत सिंह की हत्या के बाद से संपूर्ण छत्तीसगढ़ का सिख समाज आक्रोश में है। सिख समुदाय के लोगों द्वारा इस मामले में सम्मिलित सभी आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग की जा रही है। साथ ही मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग भी छत्तीसगढ़ शासन से की जा रही है।
ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। उत्कल बंधुओं ने सामाजिक एकता का परिचय देते हुए शहर में नुआखाई पर भव्य शोभा यात्रा निकाली। उत्कल समाज दुर्ग के द्वारा रविवार को अपने पारंपरिक महापर्व नुआखाई के 3 दिन पूर्व दुर्ग शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाल कर सामाजिक एकता का परिचय दिया। इसी कड़ी में शोभा यात्रा में दुर्ग शहर के कोने कोने से हजारों की संख्या में उत्कल समाज के लोग शामिल हुए, जिसमें शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण का केंद्र छत्तीसगढ़ महतारी की झांकियों के साथ ही कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा जन, महिलाओं और बच्चों ने हिस्सा लिया और एक दूसरे के गले लगकर नवाखाई की बधाई दी। इस मौके पर उत्कल समाज दुर्ग शहर जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सोनी ने कहा, नुआखाई हमारे पूर्वजों के द्वारा विरासत में दी गई एक पूंजी है जो हम सबको जोड़ने का काम करती है और आगे बढ़ाने की प्रेरणा भी देती है। इस मौके पर कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे दुर्ग विधायक अरुण वोरा, चतुर्भुज राठी ने नुआखाई की सभी को बधाइयां दी। साथ ही इस मौके पर समाज के वरिष्ठ और अखिल भारतीय उड़िया समाज जिलाध्यक्ष नामदेव चक्रधारी, उत्कल क्रीड़ा मंडल संयोजक अभिषेक टंडन, अखिल भारतीय उड़िया समाज प्रदेश महामंत्री अर्जुन कुंभार सहित अन्य लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। उत्कल समाज का ये बहुत बड़ा पर्व है और नवाखई शोभा यात्रा दुर्ग शहर में पहली मर्तबा जो है हम सर्व अनुसूचित जाति समाज मिलकर जो है उत्कल समाज मिलकर जो आज यह शोभा यात्रा निकाले हैं और हम अपने बीच में हमारे विधायक महोदय अरुण वोरा का पाकर जो है ना बहुत खुशी है और भविष्य में जो है ऐसा पर्व में आप सभी मीडिया का और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक महोदय जी का और आम जनता का जो ना सहयोग हमें उत्कल समाज को मिलता रहे। हम लोग बहुत एक छोटा सा समाज हैं, सभी को गणेश चतुर्थी और तमाम हिंदू पर्व की जो त्यौहार है उसके लिए सभी को बधाई और नवाखाई पर्व के लिए जो है ना गाढ़ा गाढ़ा सबको जोहार। जबरदस्त उत्साह है हमारे उत्कल समाज के द्वारा नुआखाई का जो आयोजन हुआ है। आज के दिन हम नया चावल हम खाते हैं। भगवान जगन्नाथ स्वामी की कृपा हम सबके ऊपर हमेशा बनी रहे, यही प्रार्थना हम लोग करते हैं। सबका जीवन खुशहाल रहे, सब अपने जीवन में आगे बढ़े, तरक्की करते रहें, इसी भावना को लेकर आज हम पूरे शहर का भ्रमण उत्कल समाज के द्वारा कर रहे हैं। हमारे सभी समाज के प्रमुख लोग यहाँ हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ नुआखाई की। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज़ के साथ। नहीं गारंटी, जी हाँ, छत्तीसगढ़ में केजरीवाल की गारंटी। ज्वलंत मुद्दों पर आवाज उठाने हैं तैयार आपकी सरकार। रोजगार गारंटी, 10 लाख सरकारी नौकरी, 3,000 रुपए महीने की बेरोजगारी भत्ता, बिजली बिल की गारंटी, 300 यूनिट, 24 घंटे मुफ्त बिजली, घरेलू बकाया बिल माफ, महिलाओं को गारंटी। 18 प्लस आयु की सभी महिलाओं को 1,000 रुपए महीने, छत्तीसगढ़ की सभी महिलाओं को निःशुल्क सम्मान। आम आदमी पार्टी से दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एस के अग्रवाल, लोकसभा अध्यक्ष, दुर्ग आम आदमी पार्टी सदस्य, चुनाव घोषणा पत्र समिति, छत्तीसगढ़ पूर्व प्रत्याशी, साथ ही आम आदमी पार्टी दुर्ग शहर। जी हां, दुर्ग विधानसभा से प्रबल दावेदार एस के अग्रवाल। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्तरोग, चर्मरोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्तरोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता
या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। मैया गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। जी हाँ, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में खेतों में काम आने वाले हार्वेस्टर उच्च क्वालिटी व गुणवत्ता के दुर्ग कमला मोटर्स में उपलब्ध। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन, मजबूती का हाथ किसानों के साथ। पानेसर 5C9500 डीलक्स मॉडल। पानेसर एग्रोटेक हार्वेस्टर कंबाइन मशीन कृषकों की सुविधा का ख्याल रखते हुए अब हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। साथ ही साथ सभी तरह के हार्वेस्टर। हमारा पता कमला मोटर्स, जीई रोड, गंजपारा, दुर्ग। तो देर किस बात की है। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882229714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरोफिजिशियन न्यूरोसर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई। फोन नंबर 7773077111, 7773077122। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, जीई रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विश्वकर्मा प्रतिमा विसर्जन करने राजिम जा रही पिकअप वाहन पलट गई, जिसमें बैठे सभी महिला बुजुर्ग और बच्चे घायल हो गए, जिनका उपचार अस्पताल में कराया जा रहा है। दुर्ग में सोमवार को एक बड़ा हादसा सामने आया। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ग्राम सिरली के पास मोड़ में तेज रफ्तार के कारण वाहन पलट गया और इस दुर्घटना में दुर्ग के पोटिया कुंद्रापारा निवासी से भरी पिकअप वाहन में बैठे करीब 35 से 40 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानन में दुर्ग जिला अस्पताल उपचार हेतु भिजवाया गया। बता दें कि भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को विसर्जन के लिए राजिम ले जाने की योजना बनाई गई, जिसके बाद सभी कामगार मजदूर और उनका परिवार घूमने की नियत से राजिम जाने वाहन में सवार हो गया। वहीं ठेकेदार ने बताया कि सभी की मर्जी से प्रतिमा विसर्जन के बाद राजिम मंदिर के दर्शन कर लिया जाएगा। वहीं राजिम पहुँच मार्ग पर सिरी के पास अचानक वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। वाहन पलटने से हुए इस बड़े हादसे में पिकअप पर सवार 35 से 40 से ज्यादा महिला पुरुष और बच्चे सर, कंधा, पैर और हाथ की चोट से घायल हो गए, जिनका इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है। जिला अस्पताल के डॉक्टर अखिलेश यादव ने बताया कि वाहन में सवार सभी लोगों को चोटें आई है, लेकिन दो लोगों की गंभीर हाथ में चोट लगी है। सूचना मिली कि वहाँ उतई के पास कहीं एक्सीडेंट हुआ है और 30-35 लोग आ रहे हैं, तो हमने सबका प्रारंभिक उपचार किया है। उसमें से दो लोगों को हाथ में चोट है, थोड़ा क्रश इंजरी है, और एक दो लोगों को सिर में चोट है, उनका एम्बुलेशन कर रहे हैं, बाकी को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी कर दी गई है। रोड में एक्सीडेंट हुआ है पता चला, तो पता चला कि बहुत लोग जख्मी हैं। मेरा भतीजा वहाँ गया था माचांदूर पिसान पिसाने, तो उन्होंने ही बताया कि एक्सीडेंट हो गया करके, तो उसके जानकारी के अनुसार मैं पूछा कितने जने को चोट आया करके, तो चोट बहुत जने का आया भैया पापा 20-25 लोगों का करके बताए। तो मैंने पहले वो दिनेश भाई की को लाइनअप किया और उन्होंने आकर यहाँ ट्रीटमेंट शुरू करवाया। 108 में सभी लोग आए और ट्रीटमेंट शुरू करवाए दिनेश भाई द्वारा, और मैं जैसे ही मेरे को पता चला मैं यहाँ पर आके सबको लाइनअप किया हूँ। मंत्री जी को भी इसका संदेश दिया। गाड़ी राजिम जा रही थी विश्वकर्मा ठंडा करने के लिए, क्योंकि पहले दिन विश्वकर्मा पूजा था तो विश्वकर्मा की मूर्ति रखे थे और विश्वकर्मा जी को ठंडा करने के लिए, विसर्जन करने के लिए इन लोग राजिम जा रहे थे। पूरे इनके ठेका श्रमिक थे, मिस्त्री वर्क में जो काम करने वाले हैं वो सभी रहे हैं इनके साथ, तो इसमें बच्चे, महिलाएं, पुरुष सभी हैं और सबको मेजर मेजर चोट आया है। किसी का हाथ टूटा है, किसी पैर टूटा है, किसी सिर लगा है, इस तरह से सिरी मोड़ में हुआ है। अब और ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, मुझे जैसे ही पता चला कि इतने लोग गंभीर रूप से घायल है, मैं खाना खाते खा रहा था तभी मेरा फोन आया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने पीसीसी महामंत्री राजेंद्र साहू के बयान की चुनाव में भाजपा 13 सीट से 14 करके दिखा दे, 13 सीट से और कम सीट होगी भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने जितने भी वायदे किए थे उनको पूरा करने में सफल रही है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता क्या इसलिए खुश है भूपेश सरकार से कि उन्होंने हर क्षेत्र में विफलताएं हासिल की है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है, हर क्षेत्र में वायदा खिलाफी किया है और जनता को जनता नहीं समझते हैं। वो 13 को 14 करके दिखा देना, वो 13 से 14 नहीं होने वाले, 13 से और कम होगी भाजपा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि प्रदेश में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार जितने भी वादे किए थे उनको पूरा करने में सफल रही है और योजना जमीनी स्तर पर काम कर रही है। हर घर को योजना का, किसी न किसी योजना का लाभ मिल रहा है। यहाँ के किसान खुश हैं, मजदूर खुश हैं, युवा खुश हैं, महिला खुश हैं, गृहिणी खुश हैं, व्यापारी खुश हैं और हर वर्ग को हमारी सरकार का, कांग्रेस की सरकार का योजना का लाभ मिल रहा है। छत्तीसगढ़ की जनता क्या इसलिए खुश है भूपेश सरकार से
कि उन्होंने हर क्षेत्र में विफलताएं हासिल की हैं, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है, हर क्षेत्र में वादा खिलाफी की है और जनता को जनता नहीं समझते हैं। क्या खुशी इजहार करने का ये एक तरीका होता है कि युवा नग्न प्रदर्शन करते हैं? क्या खुशी इजहार करने का तरीका ये होता है कि 40,000 स्वास्थ्य कर्मी तूता मैदान में धरना देते हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये तात्पर्य होता है कि हमारे किसान भाई पिछले 2 सालों से धरना दे रहे हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि हमारी महिलाएं रायपुर में जाके वहां पर धरना दे रही हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि 300 किलोमीटर पैदल चल के आदिवासी रायपुर आते हैं, राजधानी आते हैं और अपना आक्रोश दिखाते हैं? क्या खुशी इजहार करने का ये मतलब होता है कि जो केंद्रीय मंत्री जो कवासी लखमा है उसका विरोध किया जाता है भानु प्रतापपुर में और आरक्षण को लेकर बहुत सारी चीजें उनको सुनाई जाती हैं और उनको उनका बहिष्कार किया जाता है? क्या खुशी इजहार करने का मतलब ये है कि हमारे जो स्वास्थ्य सरकारी कर्मचारी हैं वो 50 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल करी थी? क्या इस वजह से खुश हो जनता भूपेश सरकार से कि उन्होंने 3 राज्यसभा सांसद बाहर से ला दिए? क्या इस वजह से खुश हो कि आपने घर घर शराब पहुंचा दिए? क्या इस वजह से भूपेश सरकार से खुश हो कि उन्होंने जनता को जनता समझा ही नहीं? क्या इस वजह से खुश हो कि उन्होंने विधवा पेंशन को रोक दिया 1500 का और वृद्धा पेंशन को रोक लिया? क्या इस वजह से खुश हो कि स्व सहायता समूह के जो कर्जा माफी था वो माफी करना था उसको आपने नहीं किया? क्या इस वजह से खुश हो कि लोकपाल बिल आप लाने वाले थे वो आप लोग नहीं ला पाए? क्या इस वजह से खुश हो कि आपने अनियमित कर्मचारियों को नियमित नहीं किया, इस वजह से खुश हो? देखिए, खोखले वादे और राजनीति, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सब चीजें की गई, इनके आका इनका यूज करते रहे, एटीएम बना के रखा और छत्तीसगढ़ की जनता को लूटने का काम भूपेश सरकार ने किया, जो कि छत्तीसगढ़ की जनता भली भांति जानती है और उसका वो परिणाम देख लीजिएगा अभी 2 महीने के अंदर। वार्ड 8 सुंदरनगर कोहका में हुए चंद्रशेखर ठाकुर की हत्या के मामले में विश्व हिंदू परिषद भिलाई नगर अध्यक्ष राजीव चौबे अपने साथी गणों के साथ मामले में हो रही पुलिसिया कार्रवाई का संज्ञान लेने पहुंचे, जहां चर्चा के दौरान पुलिसिया कार्रवाई में अपनी संतुष्टि जाहिर की, तो वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान शहर में हो रही लगातार ऐसी वारदातों के लिए पूरे प्रदेश भर में देर रात संचालित हो रहे कुछ आपत्तिजनक व्यवसायों को कारण बताया और प्रदेश में बढ़ते नशे के व्यापार को भी जिम्मेदार बताते हुए चिंता जताई। विश्व हिंदू परिषद के भिलाई नगर अध्यक्ष राजीव चौबे के साथ दुर्ग जिला उपाध्यक्ष ठाकुर निहाल, जिला संयोजक रोहित दुबे तथा बजरंग दल के कार्याध्यक्ष पारख जंगेल भी शामिल रहे। मामले में उचित कार्रवाई नहीं होने पर पंडित दीन दयाल सरोवर स्मृति नगर में कार्मिक भूख हड़ताल पर बैठने की बातें यहाँ पर कही गयी। कोहका में जो चंद्रशेखर ठाकुर नामक युवक की हत्या हुई, उनके भाई मेरे साथ आए हैं, हम पुलिस चौकी में आए थे जानकारी लेने के लिए कि किस प्रकार जांच चल रही है। अभी तक 3 लोगों के बयान हुए। हमारा निवेदन था कि इनके बहन और इनके भाभी जो चश्मदीद गवाह हैं उनके भी बयान लिए जाए और तो, उसके जैसे और भी अगर तो और भी जो चश्मदीद गवाह रहे होंगे उनके भी बयान शामिल किया जाए। तो चौकी प्रभारी ने जिस प्रकार बताया कि जो कार्रवाई हो रही है उससे हम पूर्णतः संतुष्ट हैं, क्योंकि 2 चश्मदीदों का और बयान ही ले चुके हैं और इनकी बहन और इनकी भाभी का भी बयान शेष है, वो लिया जाएगा। ये बता रहे हैं कि अभी विवेचना जारी है, विवेचना वो खत्म नहीं हुई है। 2 अपराधी जो गिरफ्तार हुए हैं उनको आज एक न्यायालय भेज रहे हैं। मुख्य रूप से जो घटना घटित हुई उसका कारण ये था कि एक लड़का और एक लड़की कुछ अभद्र अश्लील हरकतें कर रहे थे इनके घर के दरवाजे पे, जिसको रोकने का प्रयास इन्होंने किया। इनके साथ मारपीट चालू हुई तब इनके भाई इनको बचाने के लिए आए, तो ये तो बेचारे नीचे गिरे हुए थे, एक तरफ रह गए और इनके भाई को इस बुरी तरह से पीटा गया कि उनकी हत्या हो गई, उनको जान गंवानी पड़ी। हमारा कहना ये है कि जो इस प्रकार की घटनाएँ हो रही हैं, जो अपराध हो रही है, अभी हम कुर्सी पार थाने से आ रहे हैं, वो जो मलकीत सिंह की जो हत्या हुई उसको देख के उनके विरोध में हम अपना समर्थन दर्ज करके आ रहे हैं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का।
हमारा तो एक ही कहना है कि इन समस्याओं, इन घटनाओं के, इन निरंतर बढ़ते अपराधों के मूल में जाना अत्यंत आवश्यक है। और यदि आप इसके मूल में जाएंगे तो देखेंगे भिलाई शहर में नशे का बढ़ता हुआ कारोबार और देर रात तक नशे के व्यापार के केंद्रों का खुला रहना और युवा वर्ग का हुजूम, जो रात को 12 एक बजे तक दुकानें खुली रहती है। आप ये स्मृति नगर मेरा देख लीजिए, ये चौकी के 100 मीटर के अंदर अंदर कम से कम 5 दुकानें ऐसी हैं, 5 होटल्स हैं, चाय का अड्डा तो ये ढाबा तो वो ढाबा तो ये ठेला तो वो ढोला, ये रात को एक एक बजे तक खुले रहते हैं और युवाओं का, युवक युवतियों का जो हुजूम है वहाँ लगे रहता है। निश्चित रूप से ये नशा कर रहे हैं और नशा करने के बाद एक तो कैनरा बैंक के बाजू में हमारी जो खाली जगह है, आप देखिए कि उस सड़क नंबर 27 के जो रहवासी हैं वो वहाँ से ना गुजर के मध्यांचल मार्ग से घूम के पीछे से अपने घर जाते हैं, क्योंकि कैनरा बैंक के बाजू में कार खड़े करके उसके ऊपर ग्लास रख के खुलेआम शराबखोरी शाम 7 बजे से चालू हो जाती है जो रात को 1 बजे तक चलती है। तो इस प्रकार की यदि पूरे शहर में 150 अड्डे रहेंगे जहां देर रात तक लोग नशा करेंगे तो ऐसी आपराधिक घटनाएं तो होती रहेंगी। तो इसके विरोध, किस तरह की मांग कर रहे हैं? मांग लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था में कसावट की मांग है मात्र, हमारी इससे ज्यादा हमारी कोई मांग नहीं है। देर रात खुले रहने वाली दुकानों को बंद किया जाए, नशे के कारोबार को नियंत्रित किया जाए, नशा करते हुए युवक युवतियों पर सख्त कार्रवाई हो ताकि आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके। हमारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का कल से ये सामने ही इस मुख्य मार्ग पर दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा के सामने हम भूख हड़ताल पे, क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठ रहे हैं। प्रतिदिन एक कार्यकर्ता भूख हड़ताल पे रहेगा, शेष समर्थन में उनके साथ बैठेंगे। जब तक प्रशासनिक व्यवस्था में, कानून व्यवस्था में कसावट नहीं आ जाती और देर रात तक खुले नशे के केंद्र बंद नहीं हो जाते, नशे के कारोबार को नियंत्रित नहीं कर लिया जाता, तब तक हम निरंतर भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे, चाहे वो वर्ष पर्यंत चलता रहे। ये जब तक इनका यह सब कार्यक्रम चलता रहेगा, कानून व्यवस्था जब तक बिगड़े रहेगी तब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देश पर DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने यातायात मुख्यालय नेहरू नगर में अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा जिले के प्रमुख गणेश पंडाल पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए कार्य योजना बनाई गई है, जिसमें यातायात पुलिस अत्यधिक भीड़ भाड़ वाले इलाके में लगातार पेट्रोलिंग करेगी। इससे सड़क जाम की स्थिति निर्मित न हो तथा आम नागरिकों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। DSP ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने बैठक में उपस्थित ट्रैफिक निरीक्षकों, उप निरीक्षकों को निर्देश दिया कि त्योहार के दौरान यदि कोई यातायात नियमों का उल्लंघन करते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। गणेश पंडाल के पास चलने वाले वाहनों की रफ्तार कम करने के लिए दोनों तरफ स्टॉपर लगाकर जिग जैग बनाया जाए, जिससे वाहनों की रफ्तार में कमी आएगी। साथ ही हाईवे सर्विस रोड पर भी किसी प्रकार के ठेला दुकान वाहन की पार्किंग नहीं होने देने को लेकर भी निर्देशित किया। बैठक में टाउनशिप के प्रमुख गणेश पंडालों में सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 10 गणेश पंडाल की व्यवस्था के लिए इनके आयोजक समितियों से भी चर्चा की गई, जिसमें समितियों के द्वारा वाहन पार्किंग की उचित व्यवस्था न होने पर वाहनों को सड़क के दोनों किनारे एक सीधी लाइन में वाहन पार्क करने निर्देश दिए गए। DSP ट्रैफिक ने शहर के लोगों से अपील की है कि वे यातायात के नियमों का पालन करते हुए अपने वाहन चलाएं, ताकि स्वयं सुरक्षित रहकर दूसरों को भी सुरक्षित चलने में अपनी भागीदारी दें। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। टेंशन ना लो, शिवा ले। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं नर्सरी से कक्षा 8वीं तक। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस
नियर ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निशुल्क प्रवेश, स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए। इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है, पुस्तकालय सुविधाएं हैं, CCTV कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पस हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहां मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट ACC बोगदा पुल नंदनी रोड जामुल भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर, उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर, चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, S और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रियल टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं, कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना, साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड गंजपारा दुर्ग, कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। बात आप सबका स्वागत है। नगर निगम के वार्ड 30 के टाटपट्टी मोहल्ला की सड़क विगत 30 वर्षों से अपने जीर्णोद्धार की बात जो रही थी, जो अब जाकर पूरी हुई है। जब वार्ड पार्षद सत्या देवी जायसवाल ने 10 लाख रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 30 की यह सड़क, जो टाटपट्टी मोहल्ले से होकर गुजरती है, यह विगत 30 वर्षों से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी हुई थी, क्योंकि इस रोड के दूसरी तरफ वार्ड 31 आ जाता है और विगत 30 सालों से दोनों ही वार्डों के पार्षद एक दूसरे पर इसकी जिम्मेदारी डालकर हट जाया करते थे, जिससे यह सड़क का निर्माण नहीं हो पाया था। परंतु यह सड़क वार्ड 30 के अंतर्गत आता है और इसकी दैनिक स्थिति को देखते हुए वर्तमान वार्ड पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल ने पूरे 10 लाख रुपए की लागत से
इस सड़क का नवनिर्माण कराया। इसके बाद से दोनों ही वार्ड के रहवासियों ने हृदय से वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल का आभार जताया है। आज बहुत बड़ा दिन है भैया, विश्वकर्मा भगवान की पूजा आज पूरे शहर में हो रही है और विश्वकर्मा भगवान की पूजा हम सब भी करते हैं क्योंकि हमारे घर फर्नीचर से संबंधित व्यापार है, तो विश्वकर्मा पूजा हम भी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं और पूरे शहर में विश्वकर्मा भगवान की पूजा मनाई जाती है। और इसी उपलक्ष्य में अभी 30 साल पूर्व मांग थी हमारी एक टाट पट्टी मोहल्ले की रोड की, तो अभी वो रोड बन गई है और वो रोड बनने में 10 लाख का सेंशन जो है लगा कर रखा था हमने और वो रोड बन करके पूरी तरह से एकदम बढ़िया तैयार हो गई है। और वहाँ के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी और पहले पूर्व पार्षदों के द्वारा भी उन लोगों ने चेताया था कि इस रोड को बनाया जाए, पर दो पार्षदों के बीच में अब उनकी सहमति सही नहीं थी, उस वजह से वो रोड 30 सालों से उसी तरह एकदम टूटी फूटी पड़ी हुई थी, बन नहीं पाई थी। और वो रोड हमारे वार्ड में, मेरे वार्ड में आती है, तो जाहिर सी बात थी वो रोड हमें बनानी ही थी, तो मेरे पार्षद बनने के बाद उस रोड का बनाने का मेरे द्वारा और हमारे वार्ड वासियों के द्वारा पूर्ण हुआ। वार्ड 30 की पार्षद सत्या देवी जायसवाल अपने वार्ड वासियों की चहेती पार्षद हैं और वह बखूबी जानती हैं कि वार्ड वासियों को कैसे खुश किया जाता है। अगर यह भी इसी दुविधा में रहती कि यह रोड कोई और बनाएगा तो शायद आज इस रोड का निर्माण नहीं हो पाता और वार्ड की जनता के चेहरे पर खुशियां देखने को नहीं मिलती। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। शहर के सभी अंदरूनी मुख्य मार्ग गोठान में तब्दील हो चुके हैं। सड़क पर झुंड बनाकर बैठे आवारा मवेशी नगर निगम के रोका छेका अभियान की पोल खोल रहे हैं। नगर निगम प्रशासन द्वारा शहर के पशु पालकों की बैठक लेकर उन्हें अपने मवेशियों को खुले में नहीं छोड़ने लगातार समझाइश दी जाती है। इस समझाइश का कितना असर मवेशी मालिकों पर होता है यह सड़क को गोठान में तब्दील कर बैठे इन मवेशियों को देखकर समझा जा सकता है। ऐसी स्थिति शहर के सभी मुख्य मार्गों में देखने को मिलती है। इन आवारा मवेशियों की वजह से दुर्घटनाओं का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। नगर निगम प्रशासन द्वारा मवेशी मालिकों की हाल ही में बैठक लेकर उन्हें मवेशियों को खुला नहीं छोड़ने की समझाइश दी गई थी। ऐसा नहीं करते पाए जाने पर जुर्माने के साथ FIR करने की बातें भी निगम अधिकारियों द्वारा कही गई थी, लेकिन मवेशी मालिक निगम की समझाइश को समझने तैयार नहीं है। अभी भी इनके द्वारा अपने मवेशियों को खुले में छोड़ा जा रहा है। नगर निगम का काउ कैचर वाहन किन स्थानों से आवारा मवेशियों को पकड़ता है यह समस्या परे है। मुख्य मार्गों के साथ साथ शहर के सभी प्रमुख बाजारों में भी मवेशियों ने अपना कब्जा जमा रखा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। सिविक सेंटर वेल्डिक्स ग्राउंड में लगा खादी महोत्सव शहरवासियों की पहली पसंद बना हुआ है। रोजाना यहां बड़ी संख्या में लोग अपने पसंद की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। यहां एक ही छत के नीचे बेहद किफायती दरों पर वस्तुएं उपलब्ध है। आ गया आ गया आ गया, जी हां, शहरवासियों की खास मांग पर एक बार फिर स्वदेशी खादी महोत्सव सिविक सेंटर वेल्डिक्स ग्राउंड में सज धज कर तैयार है। शहरवासियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जी हां, एक ही छत के नीचे जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं बेहद किफायती दरों पर उपलब्ध है। आकर्षक परिधानों में बंगाल के वस्त्रों की अनेक वैरायटियां, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के हस्तनिर्मित वर्क, आकर्षक दुपट्टे, कुर्तियां, कारपेट, भरदोई, बच्चों के लिए खिलौने, घर की साज सज्जा के सामान, महिलाओं के लिए आकर्षक कुंदन कंगन, स्टोन कंगन, लाक की चूड़ियां, इयर रिंग, झुमके, वहीं पुरुषों के लिए आकर्षक कुर्ते पैजामे, शर्ट्स, खादी जैकेट, लॉन्ग जैकेट आदि, वहीं सोफा कवर, बेडशीट, कुशन कवर की कई वैरायटियां। इसके साथ ही जींस, लेगी, टॉप, कॉलेज गर्ल्स की खास मांग पर। और इतना ही नहीं, किचन के साजो सामान के साथ खान पान की सामग्रियों का एकमात्र स्थान जिसमें मुरब्बे की अनेक वैरायटियां, आम का मुरब्बा, आंवले का मुरब्बा, अचार में हर किस्म के अचार, साथ ही साथ पापड़ों में आलू, साबूदाना, उड़द दाल, मूंग दाल, चना दाल और भी कई वैरायटियों के पापड़। तो देर किस बात की है, आप भी जल्द से जल्द पहुँचे स्वदेशी खादी महोत्सव और अपनी मनपसंद शॉपिंग करें। पता सिविक सेंटर वेल्डिक्स ग्राउंड, समय सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक।
कमला मोटर्स में हार्वेस्टिंग मशीन की डिलीवरी शनिवार को पंडादा खैरागढ़ निवासी तानेश्वर वर्मा एवं बारगांव बेमित्रा निवासी प्रदीप यादव को की गई। वे अपने इष्टजनों के साथ आकर अपनी अपनी पसंद की हार्वेस्टर मशीन ले जाकर गौरवान्वित हुए। मुख्य अतिथि भारतीय स्टेट बैंक ऋषि शाखा की क्षेत्राधिकारी पुष्पा साहू, खुशबू रानी, प्रदीप यादव को KS 9300 सेल्फ प्रपोल्ड कम्बाइंड हार्वेस्टर मशीन प्रदान की। दुर्ग जिले के भिलाई खुर्सीपार में बीते दिनों हुई युवक मलकीत सिंह की हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा दुर्ग भिलाई बंद का ऐलान किया गया था। समाज द्वारा पैदल मार्च निकालकर आक्रोश भी जताया गया। व्यू दुर्ग जिले के भिलाई खुर्सीपार में युवक मलकीत सिंह की पिछले दिनों हुई हत्या के विरोध में छत्तीसगढ़ सिख पंचायत दुर्ग द्वारा भिलाई बंद का ऐलान किया गया, जिसके तहत खुर्सीपार सुपेला पावर हाउस, रामनगर, केएम क्षेत्र, वैशाली नगर, हाउसिंग बोर्ड छावनी, नेहरू नगर में व्यापक असर देखने को मिला। बंद को भारतीय जनता पार्टी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का भरपूर समर्थन मिला। सुबह से ही सभी बाजार में दुकानें बंद रही और बंद के समर्थन में सैकड़ों महिलाएं और सिख समाज के लोगों ने पैदल मार्च निकालते हुए लचर कानून व्यवस्था और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नारेबाजी की और आक्रोश जताया। बता दें कि मलकीत सिंह को न्याय दिलाने को लेकर तीसरे दिन भी सिख समाज के द्वारा भारी संख्या में लोग नेशनल हाईवे चक्का जाम कर बैठे रहे। एक घंटे तक नेशनल हाईवे जाम रहा। इधर पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे धरने पर बैठे हुए हैं। जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। लगातार प्रशासन के द्वारा सिख समाज के लोगों के साथ बैठक की गई, लेकिन बैठक में कोई निर्णय नहीं निकला, जिसके चलते भिलाई बंद का ऐलान किया गया था। बंद का व्यापक असर दुर्ग जिले में भी देखने को मिला। बंद के समर्थन में भाजपा और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एकजुट नजर आए। मृतक के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देने के अलावा हत्या के सभी आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर कड़ी सजा की मांग की गई। परिजनों की इस मांग का समर्थन करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे 16 सितंबर से ही कुर्सीपार थाने के सामने टेंट लगा धरने पर बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक मृतक के परिजनों की मांग पूरी कर उन्हें संतुष्ट नहीं किया जाता तब तक धरना जारी रहेगा। अब ये तो प्रशासन बताएगा, और जहाँ तक लोगों का आरोप है कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति के खास का खास है, इसलिए उसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन को अपराधी किस जात समुदाय या दल का है उससे नहीं, अपराध उसने किया है तो उसे पकड़ना चाहिए और सजा मिलना चाहिए। हम लोग पीड़ित परिवार के साथ इस वारदात में शामिल है, उसे छुपाने की कोशिश ये बिल्कुल है कि प्रशासन जो है किसी विशेष एक और जो अपराधी है उसके एक्यूज बनाने में लापरवाही कर रहा है। जो विटनेस है, आई विटनेस, वो बार बार बोल रहा है, इसलिए ज़्यादा लोगों में आक्रोश है। और वो यहाँ पे आज जो है भिलाई बंद लोगों ने स्वेच्छा से किया, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत, आपके चैम्बर कॉमर्स, भाजपा और समाज के सब लोगों ने उसका समर्थन किया और वो सफल रहा। आंदोलन का तीसरा दिन है, क्या करता है, क्या कुछ मांग है, आगे किस तरह की और प्रक्रिया अपनाई जा सकती है? देखिए, पहले दिन से एक ही मांग है, पीड़ित परिवार के साथ न्याय हो। और पीड़ित परिवार जिस तरीके से उसे भरोसा हो जाए कि उसे न्याय मिल रहा है, पीड़ित परिवार और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत जिस दिन भी इस बात को महसूस कर लेगा
कि उसे न्याय मिला है, वो आंदोलन वापस लेगा, हम लोग चल जाएंगे। वो जो भी आंदोलन कैसे करता क्या करता वो जो भी करेंगे हम लोग साथ में। अब वो जो लोग गए थे सिख पंचायत के लोग और पीड़ित परिवार के, वो जान रहे हैं, उनकी आपस में बात हुई, वार्ता असफल हो गई, इसलिए जो है आज ये बंद हुआ। पार्टी विशेष से जुड़ा वही मृतक की बहन का कहना है कि जब तक सारे आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर लेती तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। पुलिस के द्वारा एक आरोपी शुभम शर्मा को बचाया जा रहा है। हमारी मांगे 50 लाख मुआवजा, एक सरकारी नौकरी चाहिए। 3 दिनों से हम इस मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। साथ ही कहा कि हमें न्याय चाहिए, जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। भाई है, उसे 15 सितंबर की रात को 8-9 लड़कों ने बहुत बेरहमी से मारा उसको, ठीक है, ये ITI ग्राउंड के पास 7:30-8 बजे की बात है। बहुत बड़ा टाइम नहीं था सर, 7:30-8 बजे बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है। 8 लड़कों ने एक निहत्ते लड़के को इतनी बेबसी से मारा है, उसके ऊपर नाचे, उसके हथेड़िया, रिप्स, आप उसकी हिप बोन, चेस्ट और इसका ब्रेक ये फ्रैक्चर हो गया सर। इतनी निर्मता से मार के उसका वीडियो बनाया गया, उस पर नाचा गया, इतनी बेरहमी से मेरे भाई की जो हत्या की गई है। हमारी बस यही मांग है कि उस जो दोषी है उनको फांसी की सजा दो। सर हम यहाँ पे 3 दिन से बैठे हुए थे। शुभम शर्मा जो इन नेताओं का चमचा है, ठीक है, उनका नाम नहीं लिखा गया है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि वो इस सत्ता का खास आदमी का बंदा है। तो छत्तीसगढ़ सरकार से हम यही उम्मीद करते थे। हम 2-3 दिन से अपनी मांगे रखे कि मेरी भाभी, मेरा भाई चला गया, उसके 2 छोटे बच्चे हैं, उन्हें कुछ मुआवजा दिया जाए, दोषियों को फांसी दी जाए और उसे कुछ सरकारी नौकरी दी जाए ताकि वो अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। 2 छोटे बच्चे हैं, एक LKG में है, एक क्लास 1 में है। आप बताइए ये 2 बच्चों का कौन करेगा? इतनी छोटी सी मांग है आज यहाँ पे, आज यहाँ पे नेताओं की औरतें मार्केट जाती हैं तो 4-4 गाड़ी आगे पीछे जाती है। वो जो पेट्रोल का पैसा है ना, हमारे टैक्स से देते हैं, वो हमारे टैक्स के लिए, और यहाँ पे अगर वो नेता बने तो जनता की सुरक्षा के लिए बने। 4 साल से वो ITI ग्राउंड में 36 मर्डर हो गए, आज तक वो प्रशासन जागी नहीं है, जबकि ये तो उनको खुद मुआवजा, खुद सब कुछ करते। आज भिलाई में इतना क्राइम बढ़ चुका है कि कोई परिवार सुरक्षित नहीं है। आज ये घटना मेरे भाई के साथ हुई है, या आपके घर पे किसी के साथ भी हो सकता है। आए दिन वहाँ पे रेप होता है, मर्डर होता है, चरस, गांजा, सट्टेबाजी, सब कुछ होता है। पुलिस प्रशासन क्यों सो रही है? क्यों किसी के कॉल पे शुभम शर्मा का नाम नहीं लिखा गया? क्यों शुभम शर्मा को अभी तक पेश नहीं किया गया? ये धरना हमें अपने भाई के इंसाफ के लिए चाहिए। मेरा भाई मरते दम तक बोल के गया कि बहन मेरे को इन लोगों ने बेमतलब का मार दिया है, छोड़ना मत इन लोग को, इन्होंने मुझे बहुत मारा है, इन लोगों को छोड़ना नहीं, ये इसकी आखिरी इच्छा थी, और जब तक ये नहीं करेंगे हम मर जाएंगे, यहाँ से उठेंगे नहीं। बस मेरे भाई को इंसाफ चाहिए, दोषियों को सजा दो। वहीं सिख पंचायत के प्रदेश महासचिव गुरनाम सिंह का कहना है कि प्रशासन से हमारी कल बात हुई लेकिन कोई हल नहीं निकला, क्योंकि हमारे द्वारा जो मांग रखी गई है उसको शासन पूरा नहीं कर रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश के भिलाई को लघु भारत कहा जाता है, जो शांति का टापू कहा जाता था। इन 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भिलाई सहित पूरे छत्तीसगढ़ को अपराधगढ़ बना दिया है। जिस प्रकार से बिलासपुर में चाकू की घटनाएं हो रही है, रायपुर की चाकू की घटनाएं हो रही है, सरेआम गैंगरेप हो रहे हैं, बिरनपुर की घटना हो रही है, और यहां पर मनकीत सिंह ने खाली भारत माता की जय के नारे लगाए और उसको लेकर जिस प्रकार से उसकी हत्या की गई, ऐसा लगता है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश एक तालिबान हो गया है। या भारत माता के जय के नारे कोई नहीं लगा सकता, और उसके बाद सरकार आरोपियों को पकड़ने के बजाय सरकार उसको बचाने में लगी हुई है। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती, और सारी जनता इनके अपराधगढ़ जो छत्तीसगढ़ को बनाया है देख रही है, और निश्चित रूप से समय आने पर भिलाई और दुर्ग की जनता इसका जवाब भी देगी।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के जामूल में दुर्गा मंदिर के पास बड़ा हादसा हो गया। हादसे में एक युवक चपेट में आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने देर तक चक्का जाम किया। दुर्ग जिले के जामूल स्थित दुर्गा मंदिर के पास सोमवार को बड़ा हादसा हो गया। यहां एक युवक हाईवा की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची जामूल पुलिस ने लोगों को समझाइश दी। बताया जा रहा है कि आक्रोशित लोग 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, साथ ही परिवार के आश्रित को सरकारी नौकरी देने की भी मांग की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने चक्का जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों को हल्का बल प्रयोग कर चक्का जाम को खाली कराया और आवाजाही शुरू करवाई। दरअसल खेरदार निवासी मनीष उर्फ राजा टंडन का सुबह बाल कटाने के लिए एक्टिवा से जामूल मेन रोड स्थित सैलून के लिए निकला था। इस दौरान तेज रफ्तार हाईवा क्रमांक CG07BG2282 ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मनीष की मौके पर ही मौत हो गई। इधर घटना के बाद हाईवा छोड़कर चालक फरार भी हो गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हुई। लोगों ने यहां चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। हादसे की सूचना के बाद मौके पर पहुंची जामूल पुलिस की टीम ने मोर्चा संभाला। फिलहाल मौके पर परिजन व स्थानीय लोगों की काफी भीड़ लगी हुई है। लोगों का कहना है कि यहां अक्सर हादसे हो रहे हैं और यहां से गुजरने वाले भारी वाहन काफी रफ्तार में होते हैं। मृतक मनीष के संबंध में ऐसा बताया जा रहा है कि वह अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। वही हादसे के बाद मृतक के पिता रामनाथ टंडन का कहना है कि 50 लाख रुपए मुआवजा और BSP में नौकरी चाहिए और पालन पोषण करने वाला वह अकेला लड़का था। साथ ही कहा कि मेरी परवरिश कौन करेगा, इसलिए मुझे BSP में नौकरी दिलाई जाए। 50 लाख रुपया चाहिए और मेरे को ना BSP में नौकरी चाहिए परमानेंट। मेरा नाम रामनाथ टंडन है। रामनाथ टंडन मेरा एक लड़का था, मेरा परवरिश वही करता था। मैं थोड़ा बहुत मेरा परवरिश करने वाला कोई नहीं है, अब मैं कौन करेगा मेरा परवरिश। मेरे को नौकरी चाहिए, परमानेंट चाहिए और मेरे को अभी 50 लाख रुपया चाहिए, नगद चाहिए मेरे को। वही CSP आशीष बंछोर का कहना है कि जामूल में एक रोड एक्सीडेंट में युवक मनीष की मौत हो गई, उसके बाद ग्रामीणों के द्वारा रोड जाम कर दिया गया। ग्रामीण और परिजन मुआवजे की मांग कर रहे हैं, शासन स्तर पर बात की जा रही है। आज ग्राम जामूल में एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें खेरदा निवासी मनीष टंडन की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों में गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे यातायात को बाधित करके और मुआवजा और रोड बेहतर रोड व्यवस्था की मांग की जा रही है। बातचीत चल रही है, मुआवजे की मांग की जा रही है इनके द्वारा। शासन स्तर पे जो भी सहयोग होगा वो हम करने वाले। गाड़ी के बारे में कुछ जानकारी, किसकी गाड़ी है, कौन ड्राइवर है, क्या है, कहाँ? नंबर से ट्रेस कर रहे हैं, वाहन बारी का पता चल रहा है। बहरहाल मामला जाँच का विषय बना हुआ है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ शाहिन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।